नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले हम बात करने वाले प्रोराइडर 1000 के फादर के बारे में। तो प्रोराइडर 1000 के चैनल पे ना कल एक वीडियो अपलोड किया उनके फादर के थ्रू, जहां पर वो काफी सारे एलिगेशंस लगाए कुछ यूट्यूबर्स के ऊपर एंड बताया कि प्रोराइडर 1000 का जो ना कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं था। यहाँ पर काफी सारे लोग उनका जो केस था उनको यहाँ पर दबाना चाहते हैं, जो रियलिटी उसको सामने नहीं आने देना चाहते हैं। एंड इसमें ना काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व है इसमें। इसी को लेकर कल उन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, उन्होंने बताया उनके पास गवाह भी है, ठीक है, कि केसेस किसी ने यहाँ पर बाइक से टक्कर मारी या फिर हिट एंड रन का केस या फिर क्या है, सारी चीज यहाँ पर उस वीडियो में बात करते हैं वो। उनके वीडियो के एक छोटी सी क्लिप यहाँ पर आप देख ही सकते हो। तो हम यही चाहेंगे कि हमें बच्चे को न्याय दिलाना है। बच्चा खुद गिरा है, उसे गिराया गया है या किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है, ये सब एक पहेली है। उन्हें गवाह भी मिले हैं जो ये बता रहे हैं। मौके से दूसरा राइडर साथ, जैसे ही इसका एक्सीडेंट हुआ दूसरा राइडर वहां से भाग गया है। अब वो राइडर कौन था वो गवाह बताएगा, कैसे कलर की उसकी बाइक थी वो गवाह बताएगा, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी पर्सनल एलिगेशन में लेकर हमने FIR कर रखी है, अब बाकी काम पुलिस का है। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। सभी हम बात कर ले आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी की मॉम के साथ में यार कोई इंस्टाग्राम पे काफी बड़ा स्कैम करने जा रहा था। वो क्या कर रहा था, उनको बोल रहा था कि ईमेल एड्रेस आपका जो यहाँ पर चेंज करने के लिए बोल रहा था इंस्टाग्राम में, ठीक है, उनका ईमेल एड्रेस डालने उसके बदले उनको $500 पे करने के लिए बोल रहा था। जनरली वो एक हैकर था, जैसे यहाँ पर ईमेल वगैरह वो चेंज कर देता उसके बाद में क्या उसका अकाउंट को जो ना आशीष चंचलानी की मॉम के अकाउंट को वो हैक कर लेता। इसी को लेकर आशीष चंचलानी ने अपने इंस्टाग्राम पर काफी सारी स्टोरीज वगैरह शेयर की एंड उसको जो हैकर था ना उसको काफी देर ट्रोल भी करते हो वहाँ पर, तो स्टोरीज वगैरह भी यहाँ पर आप देख ही सकते हो। गाइस मेरी मम्मी को इंस्टाग्राम पे कोई स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि आप स्टोरी पोस्ट कर दो हम $500 भेजेंगे। उसे नंबर मांगा, ईमेल आईडी मांगी, उसको इंस्टाग्राम पे कॉल किया, लड़की है फोन ही नहीं उठा रही है, ठीक है। उसको इतना मैं बता दो क्या किया है, अभी वो स्कैमर है, ठीक है, स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कैम भी कैसा है कि भाई मैं आपको $500 भेजूंगी, आप ना अपने आईडी में जाके सेटिंग्स में ना मेरा ईमेल डालो, फिर कंपनी आपको $500 भेजेगी, ताकि वो मम्मी की आईडी डाल के फॉरगॉट पासवर्ड करे तो उनको ईमेल में पहुंच जाए। लेकिन हम तो पागल है, हमें तो मालूम ही नहीं है क्या होता है। जो मैंने उसको टॉर्चर किया है, अभी इतना टॉर्चर किया है, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज रही है कि आपको अपने सेटिंग्स में जाके एडिट प्रोफाइल कर पे क्लिक करना है, अपना प्रोफाइल का भेज रही है। मैं उसी का प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट उसको भेज रहा हूँ और बोल रहा हूँ मेरे को तो एडिट प्रोफाइल नहीं दिख रहा है। ओ भाई साहब, प्लीज डोंट टर्मिनेट माई कॉन्ट्रैक्ट, माई सन बैडली नीड्स $500, हिज वीडियो बजट is very low, we need money. मैंने उससे पूछा how much money will we get in rupees, तो बंदी लिखती है last I checked I think it's 40,000, $500 मैंने उसको भेजा लेकिन $500 तो 41,000 है। तो क्या ₹1,040 आप अपने लिए ले रहे हो। तो चलिए बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। सभी बात करें ध्रुव राठी के बारे में। तो क्या ध्रुव राठी को किसी ने एक्सपोज कर दिया है। ध्रुव राठी ने केरला स्टोरी मूवी को लेकर अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था, जहां पर बताया केरला स्टोरी मूवी में जो भी स्टोरीज वगैरह बताई गई थी वो सारी फेक एक प्रोपेगेंडा मूवी है। एंड इसी को लेकर उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया, उस वीडियो के ऊपर उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। जिसके बाद क्या था, उसी वीडियो को लेकर यहाँ पर इंजीनियर रिवील्स एक यूट्यूबर जिन्होंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, वहां पर ध्रुव राठी को रिप्लाई करते हैं एंड ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में जिन जिस पॉइंट को रखा था ना उस पॉइंट के बारे में बात करना, उसे भी बता दें कि ध्रुव राठी की जो ना अपनी ऑडियंस के ऊपर मेन्यू प्लेट कर रहा है। तो उनके वीडियो की एक छोटी सी क्लिप यहाँ पर आप देख ही सकते हो। ध्रुव राठी इस स्क्रीनशॉट को दिखाते हुए कहता है कि देखो इंडिया टुडे का एक आर्टिकल है और इसके हिसाब से सिर्फ 40 जो लोग हैं ना वही ISIS में लड़ने के लिए गए हैं। तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई हाँ ये तो सही बोल रहा है, आर्टिकल में तो लिखा हुआ है, लेकिन लोग इसको ध्यान से पढ़ते नहीं है। आप इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ो, इसी आर्टिकल में पढ़ सकते हो, यहीं पे बगल में लिखा हुआ है कि पिछले सिर्फ 2 साल के बारे में इस आर्टिकल में बात किया जा रहा है, ना कि अभी तक का। जबकि ध्रुव राठी कहता है देखो सिर्फ 40 लोगों ने ISIS ज्वाइन किया है, 32,000 लोगों का ये जो फिगर है ना वो एकदम फेक है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, गलती हो जाती है, कुछ फैक्ट्स मिस हो जाते हैं। ध्रुव राठी को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इस स्क्रीनशॉट को शेयर करके ध्रुव राठी कहता है कि देखो सिर्फ 60 लोग जो है ना वही ISIS में आतंकवादी बनने के लिए गए हैं, तो इसलिए ये जो 32,000 का नंबर है वो फेक है। इसमें जो संख्या है ना वो इस्लामिक स्टेट के अंदर मोस्ट वांटेड इंडियंस का है, ना कि उनका है जिन्होंने की ISIS को ज्वाइन किया है। जिन लोगों को देखा जा चुका है जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनका ये डेटा है, और वो भी सिर्फ 3 साल का ही डेटा है, 2016, 2017, 2018। इसमें भी ध्रुव राठी कहता है कि 32,000 का जो नंबर है वो फेक है। चलिए कोई बात नहीं,
दूसरा जो बेनिफिट ऑफ डाउट है ना वो भी ध्रुव राठी को दे देते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस न्यूज आर्टिकल को शेयर करते हुए ध्रुव राठी कहता है कि जब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से पूछा गया कि क्या कोई लव जिहाद के केसेस अभी तक मिले हैं, तो उनका रिप्लाई था कि नहीं, अभी तक कोई भी लव जिहाद के केसेस मिले ही नहीं है। और इसी को कोट करते हुए ध्रुव कहता है कि देखो इस आर्टिकल में मेंशन है और होम मिनिस्ट्री ने भी बताया है कि कोई भी लव जिहाद के केसेस अभी तक मिले ही नहीं है साउदर्न इंडिया में, इसलिए लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए इसको भी जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने हिंदुस्तान टाइम्स का पोर्टल खोला हुआ है और ये वही न्यूज आर्टिकल है जिसके बारे में ध्रुव राठी रेफरेंस कर रहा था। अब जैसा कि ध्रुव राठी ने कहा यहाँ पर मेंशन है कि देयर इज नो केस ऑफ लव जिहाद इन केरला, जबकि आप इसके नीचे जाओगे तो यहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा द टर्म लव जिहाद इज नॉट डिफाइंड अंडर द एक्सटेंट लॉज। और क्योंकि ये जो लव जिहाद का टर्म है इसको डिफाइन नहीं किया गया, इसके लिए कोई लॉ नहीं है और कहीं पे भी इसके बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है, इसीलिए ऐसे कोई केसेस मिले नहीं है। अब जब कोई क्राइम है ही नहीं जो कि एग्जिस्ट करता है तो उसके केसेस कहां से रिपोर्ट होंगे। सो बस सर अभी के लिए यही थे अपडेट, आई होप वीडियो आपको सही लगा होगा। वीडियो चला देना लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के लिए, सब्सक्राइब कर लेना।